हाँ दोस्तों, मेरे पास में है iPhone 13, देख सकते हैं iPhone 13 है मेरे पास, A15 बायोनिक सीपीयू के साथ। तो ये फ़ोन बेसिकली क्या है, फुल शॉर्ट है, ठीक है। और यहाँ पावर एसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। मैं आपको टेम्परेचर दिखाना चाहूँगा कि कितना ले रहा है, तो नोटिस करो। ठीक है, तो अब जैसे ही इसमें हम लगाएंगे 13 का केबल, तो ये क्या पूरा 2 एम्पियर ले रहा है। मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, ये मैंने जो पावर बूट अप केबल लगाई है, इसमें क्या है, पावर की दबानी, इसमें यहाँ पे सॉल्डिंग करने की जरूरत नहीं है पावर की पर। ये यहाँ पर इस तरह का बटन होता है, नोटिस करो, इसको दबाते हैं, यहाँ पर ये ऑन हो जाती है। अब नोटिस करो, मैं इसको दबाऊंगा, डायरेक्ट 1.92 एम्पियर पर जा रहा है। तो मतलब ये फोन में फुल शॉर्ट है, ये तो क्लियर है, पर अब कहाँ शॉर्ट है ये चेक करना है हमको। तो अगर हम मल्टीमीटर को देखें तो पावर आईसी के पास कहीं पर भी हमको नहीं मिल रहा है कोई भी पिन। तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बताना चाहूँगा, तो इसकी शॉर्टिंग कैसे निकाली है नोटिस करो। तो रोजिंग लगाएंगे सेम वही जैसे नॉर्मल एंड्रॉयड में करते हैं। ठीक है, तो चलिए नोटिस कीजिए, तो हमने रोजिंग लगाया है, फिलहाल इस साइड लगाएंगे, फिर दूसरी साइड लगाएंगे, फिलहाल अभी इस साइड लगाते हैं। अब हम पावर केबल को कनेक्ट करेंगे। क्लियर, अब नोटिस करो, अब मैं जैसे ही पावर बटन दबाऊंगा, पावर आईसी तो लीकेज हो ही रही है, पर यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर देख रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कैपेसिटर निकालेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है इसको हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, नोटिस करो। बजट मोड पे ठीक है, देखिए
आप देख सकते हैं कैपेसिटर ये शॉर्ट है, क्लियर। अब हम वापस चेक करते हैं डीसी मशीन से। नोटिस करो और रोजिन डालते हैं, और अगर शॉर्टिंग हुई भी तो रोजिन से मिल जाए, मिलनी चाहिए कि पावर फिर से गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। अब हम पावर बटन दबाएंगे तो देखो अब हमारा नॉर्मल बूटिंग हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मतलब जो हमारा शॉर्टिंग है वो हट गया है। देखो ये हमारा फोन ऑन होने का बूटिंग है, 200 के ऊपर ये लोगो पे जाता है फोन, तो मतलब हमारा फोन अब ऑन हो चुका है। और हमारा जो पावर आईसी है वो भी बूट अप, वो भी अब किसी प्रकार की लीकेज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का नॉलेज चाहिए तो आप ले सकते हैं, या मैंने कोर्स डिजाइन किया है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप नोटिस करो, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है वो आईफोन 6 मास्टर कोर्स है। I'm sorry. इसमें क्या है, मैंने कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया है, ये देखिए सिर्फ आईफोन 6 के अंदर। तो आप देखो ऑल सेक्शन वाइज बूट सिक्वेंस, सर्किट कैसे बूट होता है, डिस्प्ले, लाइट सर्किट, सबके सॉल्यूशंस के साथ, टच आईडी कैसे काम करती है, चार्जिंग आईसी, ऑडियो प्रोसेसर, M8 रिसीविंग, हमें कोर प्रोसेसर में बताना चाहूँगा, वो जो आप एप्पल से अपने फ़ोन को सिंक्रोनाइज करते हैं, वाईफाई सर्किट, नैंड सर्किट, 2G बैंड, 4G बैंड, रियर कैमरा, सिम सर्किट, ब्लूटूथ, तो बहुत सारे थर्मिस्टर, LDO कैसे बाईपास करना है, आईफोन से बेसिक कंपोनेंट MOSFET टेस्टिंग बताइए, बिल्कुल बोर्ड ID और फ्लैशिंग, पूरा फ्लैशिंग वाला पूरा आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया कि कैसे नैंड रिपेयर करते हैं। तो ये सब कुछ अभी 15% ऑफ में चल रहा है, और सिर्फ 6,900 मतलब 5,000 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, लगभग 5,800 रुपये में। और मेरे को नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में इससे सस्ता कोई आईफोन पे कोर्स दे रहा होगा। हाँ ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, इसमें भी कंटेंट आईफोन 6 का है, क्योंकि मैंने इसमें मास्टर लेवल पे कोर्स डाला है। देखो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आईफोन 6 से 14 प्रो तक समझा देते हैं, और जनरली सिर्फ एक दो चार काम बता देते हैं, दो चार सर्किट, और सभी में बोलते हैं एक जैसा काम है, बट आप है ना हर बार नॉलेज सॉल्यूशंस के लिए उन पर टिके रहते हैं। बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कंटेन दिया हुआ है, आप इस सर्किट को समझ के मास्टर बन सकते हैं। शुरुआत 6 से कीजिए, मैं इसके बाद में आईफोन X डालूंगा, फिर 11, 12 डालूंगा, तो उसके बाद में आपको सर्किट समझने आने लगेंगे। आप सीधे आईफोन 12 का सर्किट समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा ये बहुत लेंथी है, या फिर सामने वाला नहीं समझा पा रहा है, या हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आप आईफोन 6 के कोर्स को ये साइड बाय साइड कोर्स करते जाइए, तो आपको क्या सर्किट का नॉलेज मिलेगा। और जितने भी एंड्रॉयड के भाई हैं अगर ये कोर्स को करेंगे तो उनको एंड्रॉयड पर आईफोन 6 के कंपोनेंट का, सर्किट का, प्रोटोकॉल का, सबका बहुत अच्छा नॉलेज देखने को मिलेगा। ये एंड्रॉयड प्ले स्टोर में है, iOS में है, आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए, iOS में डाउनलोड कीजिए, इसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और वेबसाइट पर भी इसको चला सकते हैं। तो और अभी इस पर कूपन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और 15% ऑफ है, आईफोन कूपन का कोड है, और इससे आप बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। टोटल 400 से ऊपर कंटेन है दोस्तों, और इतना कंटेन कोई अपने कोर्स में नहीं देता है। आप
आप बिलीव करें। और आपको यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली भी अपने बहुत से वीडियो डाले हैं और सारा एनिमेटेड कोर्स है जिसमें मैंने आपको सब बूटअप सर्किट बताया कि किस तरीके से फ़ोन बूट होता है, आपको समझ में बहुत आसानी जाएगी। ये 5,000-6,000 करके ना जब आप आईफोन एक्स और 11-12 में आएंगे ना तो आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा बिलीव। तो चलिए ठीक है, ये कोर्स को करिए और कोर्स को करके फ़ायदा उठाइए। और जो कोर्स को करेगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोर्स में मास्टर लेवल पे आप जाएंगे, आपको सर्किट का नॉलेज मिलेगा और आने वाले सर्किट पर बहुत इजी कर पाएंगे। इसकी जो दाम है ये मान के चलो ये दाम आपका एक हार्ड डिस्क से भी कम है और मुझे नहीं लगता इतने कम दाम में कोई आपको देने वाला है। बस ये है कि कम दाम में इसको चीप मत समझिए, क्योंकि इसको मैंने उन लोगों के लिए दिया है जो एंड्रॉयड से आईफोन में जाना चाहते हैं और घर बैठकर ये काम करना चाहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। एक बार में ये आईफोन 11-12 पर काम करके 2-4 सेक्शन पे काम करके आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, पर आप हमेशा डायरेक्ट सोल्यूशन पे टिके रहेंगे। तो हमेशा दिमाग में रखना कि जितना आप अपना सर्किट का नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ही आपको सर्किट यहाँ पे नॉलेज देगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।